इस समय हम लोग राजधानी कीव के बीचों बीच एक ऐसे इलाके में हैं जहां थोड़ी देर पहले एक बम आकर गिरा है। यही वो इमारत है जहां पर बमबारी हुई है और इस समय यहां पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी, सेना के अधिकारी दोनों ही यहां मौजूद हैं। यहां आग बुझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसी इमारत पर राजधानी कीव में बमबारी हुई है और बम गिरा है। ये एक प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब है जो बताया जा रहा है फिलहाल। हालांकि यहां पर बॉम्ब टीम्स भी यहां पर है। ये पूरा इलाका एक तरह से खाली करा लिया गया था, लेकिन अभी यहां पर एक कुछ समय पहले विस्फोट हुआ है। इस बिल्डिंग में आग भी लगी और इसके ऊपर जैसा आप देख सकते हैं, इस आग को बुझाने का काम अभी फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर भी रहे हैं। बम के श्रैपनल यहां काफी इलाके में, आइए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। खासी ठंड भी है यहां पर, सड़क पर पानी जमा है, बर्फ जमा है और ऐसे में प्रयास अधिकारियों का ये हो रहा है कि इस बिल्डिंग पर राजधानी कीव में, ठीक, अधिकारी ये कह रहे हैं कि बस इसी इमारत को दिखाइए क्योंकि इसके पीछे एक जगह बम निरोधक दस्ता है, वो श्रैपनल की निगरानी भी कर रहा है। और मैं आपको दूसरी तरफ भी लिए चलता हूं जहां पर दिखाता हूं कि यहां पर बम गिरा राजधानी कीव के इस इलाके में। हालांकि बिल्डिंग उस समय खाली थी, बिल्डिंग में उस समय कोई मौजूद नहीं था, बंद था। और अगर आप देख भी सके तो ये इस तरह की बिल्डिंग है जहां हर तरफ प्रयास ये होता है लोगों का कि बिल्डिंग के कांच पर वो टेप लगा देते हैं हर तरफ से। टेप इसलिए लगा देते हैं कि अगर शीशा टूटे भी तो चिटक के अंदर ना आए। लेकिन तनाव अब आप इस पूरे इलाके में इतना देखिए कि अब इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। आसपास किसी बिल्डिंग में अब कोई नहीं है। जो अग्निशमन के अधिकारी हैं वो इस बिल्डिंग को आग बुझाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर यहां पर एक बैंक था, कुछ रिहायशी इलाके थे और एक दफ्तर था। यहां पर किसी भी तरह का कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है। ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, एक कमर्शियल उसके बगल में कॉम्प्लेक्स है। अगर यहां पर कोई सिविलियन एरिया नहीं है, कोई मिलिट्री एरिया नहीं है, तो एक सिविलियन एरिया को क्यों टारगेट किया गया, ये प्रश्न वो लगातार पूछ रहे हैं। अगर आप यहां पर भी देखिए, ये एक बैंक का दफ्तर है। यहां पर ना सर्फेस टू एयर मिसाइल्स है, ना सेना है, लेकिन फिर भी इस इलाके को टारगेट किया गया और इसको लेकर यहां खासी नाराजगी भी है। और अब ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या कीव को डराने की, धमकाने की, खाली कराने की साजिश के तहत यहां पर विस्फोट किया गया, यहां पर एक बम मारा गया।